हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल निशा की रसोई। जैसा कि आप जानते हैं, अभी विंटर सीजन चल रहा है। इस मौसम में हमें मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी खाने का बहुत मन करता है, तो ऐसे ही आज हम बाजरे से कुछ आइटम बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पैनकेक। ये मैं बाजरे के आटे से पैनकेक बनाने जा रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ना 1.5 कप आटा लिया है, ये बाजरे का आटा है। इसमें मैंने 3 ग्रीन चिलीज लिया और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, जिसको कि मैंने बारीक पीस लिया है। बहुत बारीक पेस्ट नहीं किया है, बस थोड़ा सा दरदरा हमने पीस लिया है। और इसमें अभी मैं डालूंगी, ये मैंने थोड़े से कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, वो हम इसमें डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे मेथी लीव्स, ये मैंने फ्रेश मेथी लीव्स लिया, जिसको मैंने थोड़ा सा धो के हल्का सा इसको निचोड़ लिया। और इसके अंदर अब हम डालेंगे सॉल्ट, हाफ कप मैंने कर्ड लिया है, इसमें हम डालेंगे तेल थोड़े से, जो कि हमने 1 टीस्पून के करीब लिया है। थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, और अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें अब मैं पानी डालूँगी। हमें इसका जो बैटर है ना, वो इडली बैटर के जैसा बनाने का है, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। इसका क्या होगा बैटर, मतलब अगर हम उस टाइप से बनाएंगे ना, तो हमें जो पैन में स्प्रेड करने में भी इजी रहेगा। ये देखिए, हमारा बैटर अभी तैयार हो गया। ये इस टाइप से हमें, हमारी जो कंसिस्टेंसी है, इसे पोरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे गिर रहा है बिल्कुल इजीली। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, आप चाहे तो इसको छोटे छोटे भी बना सकते हैं, मैं एक ही डाल रही हूँ। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़े से सीसम सीड्स, तिल डालेंगे थोड़े से, और अब मैं इसके ऊपर एक स्पून भर के इसमें हम ये डालेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये नीचे से पूरी तरह से पक गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सेंटर में ऑयल और डाल देते हैं, और इसको अब हम पलटा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा है। अब इसे हम सिर्फ और 1-2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। चलिए अब हम इसको फिर से चेक करते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से पक गया। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, और इसी तरह हम हमारे बाकी भी पैनकेक बना लेते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमारे ये पैनकेक पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। बाजरे के आटे से बनाए गए पैनकेक है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें कैल्शियम बहुत है, आयरन काफी होता है, और न्यूट्रिशियस है, पूरी तरह से अच्छे हैं। आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए, काफी अच्छे लगेंगे आपको। और अब हम इसके ऊपर एक तुलसी का पत्र रख के भगवान को भोग लगाएंगे। तो आप भी अपने घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। हरे कृष्णा।